संकल्प बोल के हम तो नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखते हैं रेखा गणित में, पढ़ते हैं हम लोग रेखा गणित में जो सवाल आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो कोण के बारे में मैंने बताया था उसमें रेखा गणित में। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर है इसका, तो हम लोग देखते हैं तीसरा लेक्चर। हम लोग कोटिपूरक और इसके बाद समपूरक के सवाल आज देख लेते हैं कोण में। कोण आपको बताया था कि कोण किसे कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं याद करने के लिए कि दो किरणों के बीच की झुकाव को कोण कहते हैं। कोण से संबंधित परीक्षा में एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाता है और उस कोणों के बारे में जितने भी कोण हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोटिपूरक और समपूरक कोण होते हैं। कोटिपूरक और समपूरक से ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कोण के बारे में, कोण होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि दो किरणों के बीच के झुकाव कोण कहते हैं। जहां पे एक किरण, जैसे देखिए कोई एक किरण इधर से जा रही है और एक किरण यहां से जा रही है, तो इनके जो बीच का झुकाव होगा इसे हम लोग कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और यहां पे हम लोगों को कोण, मैंने आपको न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, मैंने आपको बताया था कि सम कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, वृहत कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, मैंने सारा कोण आपको बता दिया था, संगत कोण किसे कहते हैं, अंतर कोण किसे कहते हैं, कोटिपूरक किसे कहते हैं, समपूरक किसे कहते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है वह पूछा जाएगा आपको कोटिपूरक और इसके बाद समपूरक से ही पूछा जाता है, कोटिपूरक और समपूरक से। तो आज हम लोग देखते हैं कि कोटिपूरक और समपूरक क्या है। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कोटिपूरक, कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण क्या है। तो कोटिपूरक के बारे में हम लोग जान लें कि क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि इसकी परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो कोणों का मान यदि 90 अंश होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कोटिपूरक कोण। इसे हम लोग पूरक कोण के भी नाम से जानते हैं, इसे कोटिपूरक कह सकते हैं या तो पूरक कोण भी कह सकते हैं, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, यहाँ पे देखिएगा, दो कोण जो होंगे मिलकर बनाते हैं 90 डिग्री, अर्थात ऐसा कोण जिसका योग होता है 90 अंश वह हो जाता है कोटिपूरक। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जैसे मैंने एक जो है 90 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, यह हो गया मेरा थीटा वन, यह हो गया थीटा टू। तो यहाँ पे दो कोण हैं थीटा वन थीटा टू, और हम आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह हो जाता है मान लीजिए कि 60 डिग्री। अब यह थीटा टू कोण जो है 60 डिग्री का है, तो आपसे सवाल पूछ देगा परीक्षा में कि यदि निम्नलिखित चित्र में 60 अंश का बताइए कोटिपूरक कोण क्या होगा। तो आपको यह पहले से पता है कि यहाँ पे इन दोनों का योग कितना है 90 अंश। कैसे, क्योंकि कोटिपूरक कोण का योग होता है 90 अंश। तो आपको पता है इसमें कि थीटा वन और इसके बाद थीटा टू का मान जो होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे दिया है थीटा क्या, टू दिया है, तो थीटा वन प्लस थीटा टू अब यहाँ पे थीटा टू की जगह क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग थीटा टू की जगह 60 डिग्री रख देते हैं और बराबर 90 हो जाएगा। अब थीटा वन कर लेंगे, 90 माइनस 60 दैट इज 30, यह हो जाएगा थीटा वन बराबर 30। तो बड़े ही आराम से आप कह सकते हैं कि यह कितना है 30 है, यह कह सकते हैं कि यह कितना होगा 30 अंश। तो आप जान चुके हैं कि कोटिपूरक जब भी होगा तो दोनों कोणों का मान 90 अंश होगा, तब जाके कोटिपूरक बनता है। हम लोग कोटिपूरक के बारे में समझ लिए, एक फंडामेंटल कोटिपूरक और समपूरक, और इसके बाद हम लोग समपूरक दोनों साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग समपूरक के बारे में। चलिए समपूरक, समपूरक कोण। अब एक ऐसे कोण की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि जिसका मान होता है 180 अंश, दो कोणों का मान। तो यहाँ पे पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण का मान क्या होता है 90 अंश, तो यहाँ पे हो जाएगा दो कोण का मान, दो कोण का मान यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कह देंगे समपूरक कोण। तो जब आपसे परीक्षा में पूछेगा सवाल कि यह बताइए कि यदि
एक कोण, जैसे कोई कोण दे दिया जाए, तो कोण अगर आपको दे दिया जाता है कि चलिए एक कोण का मान अगर दे देता है कि वह 100 है, एक कोण का मान दे देता है 100, कोण का मान क्या है, तो 100 का पूछेगा कि संपूरक कोण क्या होगा, अर्थात एक कोण का मान अगर दे देगा, जैसे आपको मैं एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ, चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझें, जैसे कि कोई अगर आपसे कोण के बारे में दे दिया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कोण दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे कोण है, और इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे कोण बना है, यह दे दिया कि 100 है, तो बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो जब इसका मान अगर पूछेगा तो उसका मान अगर आ जैसे कि यह 100 है तो बताइए कि थीटा का मान क्या होगा। तो आप जान चुके हैं कि यह 100 का संपूरक कोण पूछ रहा है, तो संपूरक कोण का मान कितना होता है, 100 होता है 80 अंश। तो आप बड़े ही आराम से कर लेंगे कि 100 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर कितना, 80। अर्थात आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं कि यदि जो है इसमें 100 होगा तो इसका मान कितना होगा, 80, और दोनों को मिला दिया जाए तो 180, यह हो जाता है संपूरक। आइए कुछ हम लोग सवाल आपके लिए जो है बनाए हैं कि हम लोग देख लेते हैं कोटिपूरक और संपूरक से किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं, प्रश्न कुछ हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दो कोटि पूरक का, वहां पे दिया रहता है सवाल में कि दो कोटि पूरक हैं, दो कोटि पूरक, दो कोटि पूरक कोण का अनुपात 6:4 है। दो कोटि पूरक कोणों का अनुपात 6:4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, क्या होगा। यहां पे दे दिया कि ऐसा दो कोटि पूरक कोण है जिनका एक का मान 6 है, एक का मान 4 है, तो बताइए कि आपको कोटिपूरक कोण का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यह जान लेते हैं हम लोग कि दो कोटि, यहाँ पे दिया है कि दो कोटिपूरक कोण का अनुपात 6:4 है। यहाँ पे देखिएगा कोटिपूरक कोणों का, कोटिपूरक कोण का अनुपात 2 की जगह बल्कि कोटिपूरक ही रहेगा यहाँ पे, ऐसे कोटिपूरक कोण का अनुपात 6:4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो यह कोण जो होंगे, यह कोण का जो अनुपात होगा, यह कोण जो होगा 6x होगा, और एक क्या होगा, एक जो है 4x होगा, 6x होगा और एक होगा 4x, और दोनों का योग कितना होता है, कोटिपूरक का जो योग होता है यह होता है 90 डिग्री। तो बड़ा कोण इसमें से क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं कि कैसे होगा, दो तरीके से लगा सकते हैं, 6 और 4। तो देखिए सबसे आराम से जो हम लोग लगाने के लिए सबसे आसानी तरीका जो हम बता देते हैं, चलिए, तो हो जाएगा 90 × बड़ा क्या है, 6 × 4, 6 बड़ा है, और दोनों का योग कितना होता है 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। तो यह देखिएगा कि सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, 54, छोटे कोण का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर 9 × 6 = 36 हो जाता। मान लीजिए कि बड़ा कोण, यहां पे मैंने लिखा कि बड़ा कोण कितना है, 54 है, तो छोटा कोण भी अगर देख लीजिए, दोनों का योग होना चाहिए ना 90, तो छोटा अगर आप लोग अगर पूछ देता कि छोटा बताइए, तो छोटा क्या करते हैं आप लोग, 90 × 4/10, यहां पे 9 × 6 = 36, तो जब 36 होता तो इसको 36 और जोड़ देते तो कितना हो जाता, 90। इस तरह से सवाल सही है, बस आपको तो इतना ही पूछा गया था, 54 आपसे बस इतना ही पूछा गया था। ठीक, आप ऐसे लगा सकते हैं इसको, दो कोटिपूरक का कोण ऐसे दिया था, आप बड़े ही आराम से इसको ऐसे लगा सकते हैं। आइए चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं सवाल।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा है कि दो कोटिपूरक कोण दिया है यहाँ पे आपको, और इसके बाद पूछा जा रहा है कि दो कोटिपूरक कोण जैसे कि दे दिया गया कोई, प्रश्न में ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऐसे है, यहां पे एक कोण बनाया गया है और एक कोण का मान है 2x+4, यहां पे इसका मान अगर दे दिया जाए तो यह है कि 2x+4, एक का मान है 2x+4 और दूसरे का मान है x, दूसरे का मान है x, तो यहां पे इसका मान x है। तो ये आपसे पूछा जाएगा 2x+4, इसका x माइनस 12 कर देते हैं, कि यहां पे दो कोटिपूरक कोण है 2x+4 और x माइनस 12, तो दोनों कोणों का मान, तो दोनों कोणों का मान बताइए, दोनों कोणों का मान क्या होगा। जैसे इस दे दिया जाए दोनों कोटिपूरक कोण है, आपको दे देगा कि एक कोटिपूरक कोण 2x+4 है, दूसरा x-12 है, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों कोण कितना होंगे, आपको यह पूछा जाएगा। तो आप बड़े ही आराम से इसको लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे आप, कि कोटिपूरक 90 होता है, तो यहाँ पे देखिए 2x+4+x-12 यह हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात कोटिपूरक कोण जो होगा यहाँ पे 90 होता है दोनों का योग, तो कोटिपूरक कोण का 90 जब हो जाता है योग, तो आप बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं कि 2x और x कितना हो जाएगा 3x और -8=90। तो यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 90+8, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 90/3। जब 98/3 जब आपको मालूम चल जाता है, तो फिर आप x का मान रख दीजिए, दोनों कोण का मान आप आराम से इसका जो है ज्ञात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, इस तरह से जो आप निकाल सकते हैं मान। 2x+4, x-12 दिया था, तो आप दोनों का योग कर लीजिएगा, 2x और x 3x हो जाएगा, और 12 जो है 4 चला जाएगा तो 8 बचेगा, और इसके बाद यहाँ पे 3x=90+8 हो जाएगा, x का मान यहाँ पे होगा, और x का मान यहाँ दोनों रख दीजिएगा, दोनों कोण आ जाएगा। धन्यवाद।